नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, काम धंधा है, बिजनेस है, अब्रॉड जाना है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की स्थिति, उसकी गणना, इसके बाद देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कर्म के लेवल पर, और ज्योतिष की रेमेडी की जो बात वो तो करेंगे ही। तो आइए आ जाते हैं सीधे आपकी कुंडली के ऊपर। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो देखिए, प्रथम भाव है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। इस चार नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि चार नंबर ये राशि का नंबर है। चूँकि आपकी राशि काल पुरुष की चौथी राशि है, पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है और चौथी कर्क है, इसलिए यहाँ पहले भाव में चार नंबर लिखा है। तो पहला भाव खाली है, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथे भाव में काल पुरुष की सातवीं राशि तुला में केतु गोचर कर रहे हैं। इसके बाद पंचम, छठा, सातवां भाव खाली है। अष्टम भाव, एर्थ भाव में काल पुरुष की ग्यारहवीं राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। वैसे तो शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, दसवीं और ग्यारहवीं, पर इसमें भी कुंभ राशि जो है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और ये परिवर्तन आपका करीब 30 साल बाद हो रहा है, तो एक विशेष परिवर्तन है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट भाव है, जो नौवां भाव है, जो भाग्य का भाव है, वहाँ पर आप गुरु और मंगल को देख सकते हैं मीन राशि में। दसम भाव में राहु शुक्र मेष राशि में, एकादश भाव में बुध और बारहवें भाव में सूर्य दिखाई पड़ते हैं, जो 15 तारीख के बाद आएंगे, 15 से पहले वो एकादश भाव में रहेंगे। तो ये होगी हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए, आप कर्क वाले हैं, कर्क वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं, अपने घर से जुड़े हुए होते हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव तो चलता रहता है, फैमिली से ज़्यादा अटैच होते हैं कर्क और सिंह, वैसे भाग्यशाली लोग होते हैं। खैर, अगर हम फिलहाल इसकी बात करें तो सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं। 12 साल बाद परिवर्तन हो रहा है, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है और आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठा है। योग कारक ग्रह वो होता है जो एक केंद्र और एक त्रिकोण का, मतलब आप इसे ये कह सकते हो राजयोग कारक होता है। ऐसा ग्रह जहाँ भी जाएगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपका राजयोग बनाता है। तो आपके केस में मंगल जो है वो राजयोग कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, गुरु के साथ नवम भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव से बहुत लाभ हो सकता है। नवम भाव की जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया हो सकती हैं इस महीने। वो कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए, नवम भाव आपके पिता से जुड़ा हुआ है, नवम भाव आपके हायर एजुकेशन से जुड़ा है। अगर कुछ आप हायर एजुकेशन मतलब PhD हो गया, या फिर स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आपकी रुचि हो गई, कहीं बाहर जाना, ट्रैवल जो है वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। धर्म के प्रति ज्ञान का होना वो भी नवम भाव है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा आ सकता है, आपके गुरु हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, आप ये कह सकते हो इस तरह के जो लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ मंगल आपके दसम के स्वामी नवम में और पंचम के स्वामी नवम में है। दसम का स्वामी नवम में मतलब धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर बैठे हुए हैं। आपको ऐसा कार्य करने का मौका मिलेगा जो धर्मपूर्ण तो है ही, साथ में उसकी वजह से आपको समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान भी मिलेगा, लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान जो है आपको मिलेगा इस योग की वजह से। पंचमेश नवम में जा रहा है, इसको बोलेंगे कुल दीपक योग। कुल दीपक योग मतलब आप अपने कुल का नाम करेंगे, या फिर आपके कुल को आपके नाम से जाना जाएगा। ये थोड़ा, ये बस कहने का मतलब यही है कि आप अपना जो परिवार है उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे अगर जन्मपत्री में है तो। अभी गोचर में क्या देगा, गोचर में भी बस यही देगा कि हाँ, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है तो पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा है, कोई जॉब वॉब लग सकती है आपकी, आपका प्रमोशन आदि हो सकता है। कब होगा, या तो आपकी गुरु की दशा हो या मंगल की दशा हो, फिलहाल में गुरु मंगल का दशा अंतर दशा हो और आपकी कुंडली में गुरु मंगल की जो स्थिति है वो शुभ हो, अच्छी हो। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की दृष्टियों की। मंगल की तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपका बारहवें भाव पर, सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पर और आठवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो चौथी दृष्टि
फॉरेन लैंड के भाव पर है, विदेश के भाव पर है, खर्चे के भाव पर है, तो कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। एजुकेशन के लिए आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। इस तरह का योग यहाँ पर बना हुआ है। खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ट्रैवल थोड़ा सा बढ़ जाएगी लाइफ में, यात्राओं के बढ़ने का योग बनता है। मंगल की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव क्या है? आपका पराक्रम है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो पराक्रम बढ़ेगा। आप मेहनत करोगे, आप एफर्ट करोगे, आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप रास्ता ढूंढोगे चीज़ों को सॉल्व करने का। इसके साथ साथ तीसरा भाव क्या? क्रिएटिविटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, डांस है, ड्रामा है, राइटिंग है, ये सब है। अगर इस फील्ड में आप हो तो आपके लिए अच्छा है, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मंगल की ये दृष्टि गुरु से मिलकर है, इसी वजह से आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में भी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसके लिए भी बढ़िया है। मदर की जो भाव है उसमें केतु बैठे हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। आपके घर में जो फैमिली लाइफ है, जो घर की लाइफ है, वहाँ पर भी कुछ टेंशन चलता रह सकता है। इस तरह का योग यहाँ पर बना हुआ है नेक्स्ट महीने के लिए। एज ए रेमेडी हनुमान चालीसा का जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को सिंदूर या लाल प्रसाद चढ़ाना, लाल कपड़ों का दान करना मंगलवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टियों की अगर हम बात करें, गुरु नवम में है तो मतलब अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, जिसकी हमने बात की, पर दृष्टियों पर हमने ध्यान नहीं दिया उस समय। अगर दृष्टियों को देखें तो गुरु की तीन दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। पांचवीं दृष्टि ठीक लग्न पर पड़ेगी, लग्न मतलब खुद आप, तो आप दूर की सोच रखोगे। दूर की सोच मतलब ऐसा हो सकता है किसी चीज़ में फिलहाल आपको थोड़ा लॉस हो रहा हो, पर अगर आप आगे तक का सोचें तो उससे आपको लाभ भी होगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आप कहीं जब पढ़ने जाते हैं तो एक डिग्री लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, पैसा मिलता नहीं है, पर उस डिग्री की वजह से फिर पूरी लाइफ आप कहीं कुछ कर सकते हैं। बिजनेस में भी उसका एक रोल होता है। और दूसरा है कि उस समय में अगर आप कोई छोटा मोटा जॉब करें जिसमें आपको थोड़ा पैसा तो अवश्य मिलेगा, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं है, तो छोटी सोच कह सकते हैं, या लंबे समय तक ना सोचें तो ऐसा लगेगा कि यही ठीक है कहीं ना कहीं। और अगर आप बहुत लंबा सोचें तो शायद आप सोचें कि कम से कम एक डिग्री ले लो, उसके बाद भले ही बिजनेस करना है पर उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से तो लंबी दौड़ के बारे में सोचोगे आप, अगले 20-30 साल के बारे में सोचोगे, या कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा सोचोगे तब आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर आ रही है। पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, और जो भी प्रॉब्लम है ये सोचना कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा, ये आपको मन में रखना होगा, तो गुरु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु मंगल की, गुरु की पांचवी दृष्टि होगी। सातवीं दृष्टि की हमने संयुक्त रूप से बात की है, जो तृतीय भाव पर है, कि यात्राएं बढ़ेंगी, परिश्रम बढ़ेगा, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर जो नौवीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, जो पढ़ाई लिखाई की है, ज्ञान की है, प्रेम की भी है, तो ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए महीना अच्छा है, चाहे वो आपकी हायर एजुकेशन हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि की आपकी एजुकेशन हो, आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है, टीचर्स वगैरह से भी आपका रिलेशन जो है बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये भाव प्रेम का भी है तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। अब ये प्रेम लड़के लड़की का बीच का भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेम भी है, साथ में फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बीच का भी प्रेम है, ये आपके दोस्त बढ़ेंगे, आप लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि पंचम भाव जॉय का भी है। ये भाव आपके पूर्व पुण्य का भी है, अपने पिछले जन्म के कुछ पुण्य अगर आपने कार्य किए हैं तो उनका रिजल्ट आपको इस समय में मिल सकता है, और आप सोच सकते हो भाई ये यहाँ तो मैं लकी रहा, यहाँ तो मैं लकी रही, मतलब कहीं किस्मत ने साथ दिया। आपको भी आभास होगा कि हाँ मेरे टैलेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई हाथ रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस महीने में मंगल और गुरु के संयुक्त प्रभाव से, आप ये कह सकते हो, क्योंकि ये मंगल की दृष्टि, मंगल की राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसमें मंगल का असर, जहाँ पर जो राशि है वहाँ पर उस ग्रह का असर हमेशा रहता है, वो ग्रह कहीं भी घूमता रहे। एज ए रेमेडी गुरुवार के दिन जब नहाते हैं उस थोड़ा बहुत हल्दी का यूज कर सकते हैं आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, साथ में ही गुरु तत्व को दिखाती है ये जो दिन है, गुरु तत्व को दिखाता है, मतलब अपने से बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके टीचर्स हैं, या जिनसे आपने कुछ लाइफ में सीखा है उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना, ये एक रेमेडी हो गई, ज्योतिषी रेमेडी होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका पाठ करना,
पीली जो चीज़ें होती हैं, येलो कलर की जो चीज़ें होती हैं, उनका दान करना ऐसे व्यक्ति को जिनकी आवश्यकता, जैसे कि केला है, चने की दाल है आपका, या पीले वस्त्र भी आप दान कर सकते हो, जिसको आवश्यकता है उसको, जो उसका सही उपयोग करे उसी को खुद भी धारण कर सकते हो। आपके धारण करने के लिए भी जो है ना येलो कलर बहुत बढ़िया है। और दान करने की बात करें तो आपके लिए ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना शनिवार को बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू कलर की चीज़ों का दान शनिवार को, या कहिए शनि की चीज़ों का दान आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कि लोहा है आपका, सरसों का तेल है। ये राशि राशि पर डिपेंड करता है, कई बार जन्मपत्री पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा वहाँ बदल सकती है, पर अमूमन आपके लिए शनि की चीज़ों का दान अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, और शनि की सेवा भी आपके लिए ठीक रहती है। अब हम शनि पर ही आ रहे हैं, क्योंकि शनि जो है अष्टम में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ढैया की शुरुआत हो रही है, तो मई जून में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर रहेगा जिसको लेकर मन बेचैन रहेगा, आपको एक असमंजस की स्थिति रहेगी, एक कहते हैं ना कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, क्या करें क्या ना करें, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है। स्पाउस के साथ भी कुछ मतभेद रह सकता है, पार्टनर पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, ये खासकर तब रहेगा शनि की दशा है, महादशा है या अंतरदशा है, या फिर आपके शनि भी उस स्थिति से जा रहे हैं जहाँ ये शनि है या इसके त्रिकोण में है, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में हार्ड वर्क आएगा। इन लॉस के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या फिर इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करें, शनि की अच्छे गुणों को अपनाएं, जो मैंने बताया, हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, समय का मतलब आपको पता होना चाहिए, कल आपको क्या करना है, परसों क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के बाद आपकी क्या प्लानिंग रहेगी। इसके साथ साथ एक तो समय की प्लानिंग होगी, शनि कर्म, अच्छा कर्म करना है, मतलब आपको वो प्लानिंग जो है कोशिश करना है कि वो सही रास्ते से करनी है, गलत रास्ते से करेंगे तो वो हो सकता है कुछ फल आ जाए जल्दी में राहू की तरह, पर इन द एंड उसका रिजल्ट आपके लिए खराब जाएगा। अपने से वृद्ध लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी हेल्प करनी। अब कमज़ोर में बात आपके वृद्ध लोग भी आ गए, कमज़ोर में आपके पशु पक्षी जीव जंतु भी आ गए, क्योंकि वो भी कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प करनी है। कब करनी है, अगर सातों दिनों में से एक चुनना है तो शनिवार को आप कर सकते हैं, अमूमन यही कहा भी जाता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप मंडे को किसी कुत्ते की या किसी व्यक्ति की हेल्प करोगे जो प्रॉब्लम में है, तो उसका पुण्य शनि को नहीं जाएगा, जाएगा उनको ही। बस एक दिन चुनना है तो हम चुन लेते हैं कि शनिवार, चलो शनिवार ठीक रहा है, फिर शनिवार की शाम, इस तरह से कभी ना करने से अच्छा है, आप किसी और दूसरे दिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि की दृष्टियों की बात करें तो दशम भाव पर, द्वितीय भाव पर और पंचम भाव पर आपकी दृष्टि रहेगी। दशम पर दृष्टि है, कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने वाला है, आपको कुछ ऐसा लगेगा जरूर कि भाई उतनी मेहनत के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो उसके आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा सा रहेगा। कार्य में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है। द्वितीय भाव पर वाणी आपकी कटु रह सकती है, फैमिली में किसी बात को लेकर मतभेद रह सकता है आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच, तो आपको रिश्तों को बना के रखना है, सबको साथ लेके रखने की कोशिश करनी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति सोच रहा है, आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, पर ऐसा भी हो सकता है आप जो सोच रहे हैं गलत है वो भी गलत ना हो और आप भी गलत ना हो, होता है ऐसा कि परसेप्शन हम समझ नहीं सकते, दूसरे की थॉट्स भी हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आता है अपना स्कूल में आता है, उसके पास ना उसकी मम्मी ने एक सेब दिया होता है, पढ़ाई दिया होगा टिफिन में रखने के लिए, टीचर जो है उससे पूछती है, बच्चा तो बच्चा ये क्वेश्चन करती है कि देखो मैं आपको दो सेब देती हूँ और एक और सेब देती हूँ तो आपके पास कितने सेब हो जाएंगे, तो बोलता है कि पांच हो जाएंगे। टीचर को कुछ समझ में नहीं आता, सोचता है शायद नॉटी है, कुछ शैतानी कर रहा होगा, फिर से पूछती है कि मैं देखो आपको दो सेब देती हूँ और एक सेब और देती हूँ तो कितने हो जाएंगे, बोलता है पाँच हो जाएंगे, एक्चुअली मम्मी ने दो सेब दिए थे, तो वो उनको भी काउंट कर रहा था बच्चा। तो टीचर को थोड़ा मतलब कि गुस्सा आया कि बोला अगर मैं तुमको दो संतरे देती हूँ और एक और संतरा देती हूँ तो कितने संतरे हो जाएंगे, कि बोला तीन हो जाएंगे। फिर सोचती है टीचर, भाई बच्चा समझ तो रहा है, बात क्या है, फिर उससे पूछती है कि भाई संतरे तीन हो जाएंगे और सेब जो है पाँच हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया, कि बोले कि बच्चा फिर बताता है कि भाई मम्मी ने मेरे को दो संतरे तो पहले से ही दिए, दो सेब तो पहले से ही दिए। तो समटाइम इट्स हैपन, तो आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि शनि है आपके फैमिली के भाव को देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ज़रूर होगा, आपको चीज़ों को समझ के सुधारने की कोशिश करनी है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है, बच्चों के भाव पर है, आपके जो बच्चे हैं उनका आपको खास ख्याल रखना है, मेनली हेल्थ का ख्याल सबसे पहले है, उसका आपको ध्यान रखना है। संतान के साथ मतभेद का भी यहाँ पर योग बनता है, ये भाव प्रेम का भी है, मतलब
आपके पत्नी के साथ, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ या आपके फ्रेंड्स के बीच जो कहीं ना कहीं कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना थोड़ा बढ़ेगी और इमोशन जो होते हैं ना वो थोड़ा कम आप महसूस करेंगे, तो आपको उस चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। एज ए रेमेडी हम बात कर ही चुके हैं, इसके अलावा माँ काली की पूजा शनिवार के दिन और हनुमान जी की पूजा मंगल शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। मंदिर में जाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कम समय मिले तो कम समय में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, शनि देखा, गुरु देखे, मंगल देखे, राहु और शुक्र दशम भाव में है। मर्यादा का विशेष ध्यान रखना है, आप कुछ ऐसा कह बोल सकते हैं जिससे समाज के तल पर आपको थोड़ा डिसफेम का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो, क्योंकि राहु शुक्र हैं। तो मर्यादा का ध्यान रखें, खासकर अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चाहे आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, या फिर आप भी किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हो। ये खासकर कब होगा, जब आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग हो, तो आपको इससे बचना। इसका एक अच्छा फैलू भी है कि आपको यस फेम मिल सकता है, आपका कोई प्रोडक्ट हिट हो सकता है। आप अगर इस तरह के काम में हो, कलात्मक कोई काम, ऐसे डांस है, ड्रामा है, पोइट है, एक्टिंग है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वाले लोग भी एक तरह का, उनको भी फेम मिलता है, इस तरह का आपका फील्ड है, तो आपका कोई प्रोडक्ट हिट हो सकता है। इतना भी हो सकता है कि उसकी जो फेम है वो फॉरेन तक, विदेश तक या मल्टीनेशनल तक पहुंच जाए राहु की वजह से। तो राहु शुक्र नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। स्त्रियों के साथ, चाहे वो आपकी बहन हो, माता हो, पत्नी हो या फ्रेंड्स हो, उनके साथ थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। उनके कारण या उनसे कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं ऐसे समय में, तो उनका सम्मान करें, साफ सफाई का ध्यान करें, ध्यान रखें। साफ सफाई मतलब मन की सफाई, घर की सफाई, और आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपका ऑर्डर हो, कुछ साफ सुथरा हो, सब कुछ, इस बात का ध्यान रखें। शुक्र को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। ओम श्रीम का जाप, श्रीम जो मंत्र है ना, वो माँ लक्ष्मी का है श्रीम, तो वो आप कर सकते हैं 108 बार, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्त्रियों का सम्मान करें और दही नींबू का उपयोग करें, जैसे दही से हम बाल धोते हैं, नींबू का उपयोग करते हैं, वो आपके लिए लकी रहेगा। दही आदि से आप जहाँ पर भी शरीर पर बाल होते हैं उनको धो सकते हैं, तो ये भी शुक्र की है, उसको अच्छा करता है। कुछ लोग इसको जब करते हैं, जब पहले शुक्र खराब होता है, वो गाय की सेवा करना, ये भी गाय दान करना भी एक रेमेडी होती है, पर उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति को दान करें जो उस गाय का ख्याल रखेगा। ये आपका राहु शुक्र हो गए। इसके बाद देखिए, दशम के राहु पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दे सकते हैं, पर कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं होगा नहीं होगा और हो जाए, इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। बुध की बात अगर आए तो 12वें भाव का स्वामी आपका द्वितीय भाव में और 3रे भाव का स्वामी आपका, 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में दूसरी राशि में 11th हाउस में, और 3रे भाव का स्वामी भी 11th हाउस में है, तो आपको लाभ हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों से, छोटी मोटी ट्रैवल से, यात्राएं इस समय आपके लिए लाभकारी रहेंगी। अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है पहले से, उसके वापस आने का यहाँ पर चांसेस बनता है। बुध का एकादश भाव में आना आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी वाणी के कारण आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका काम ऐसा है, सेल्स है, मार्केटिंग है, या फिर जहाँ आपके बोलने का, आप बोलते कैसे हैं, आप टीचर हैं, कुछ उसका बहुत विशेष महत्व है, तो फिर आपको लाभ जरूर होगा। बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि लाभ के स्थान में है, बुद्धि से आप वैसे अच्छा काम लोगे, और इस समय अगर आप बुद्धि से काम लोगे तो लाभ की भी, अपने से छोटों के थ्रू भी आपको हेल्प हो सकती है। अपने से जो छोटे लोग हैं ना, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे यहाँ पर, आपका छोटे भाई बहन भी, पड़ोसी आदि, कोई भी अपने से एज में जो छोटा है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद देखिए, इस बुध की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं ये एक योग बनता है आपकी कुंडली में। और अगर हम सूर्य पर आ जाते हैं, तो सूर्य जो है 12वें भाव में है, 12वां भाव होता है संन्यास का, कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ने का, 12वां भाव होता है विदेश का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी काम ले उसको पहले तो एंड तक ले जाएं। आपके लिए फॉरेन लैंड, विदेश, अपने जन्म स्थान से दूर की चीज़ें बेहतर रहेंगी यहाँ पर, सूर्य वहाँ पर जा रहे हैं। आपके धन का सोर्स भी अगर आपका कहीं किसी ऐसी चीज़ से जुड़ता है जो इंटरनेशनल है या दूसरे स्टेट का है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी फैमिली पर आपका थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है या खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। सूर्य हमारे पिता से जुड़े हैं, सूर्य हमारी ज्योति जो होती है नेत्रों की, उससे भी जुड़े हैं, तो आँखों का विशेष ख्याल रखना है। पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
एज ए रेमेडी सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, राम रक्षा स्त्रोत या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, खास करके अगर सूर्य की दशा महादशा है और सूर्य कुंडली में कमज़ोर हैं तो। क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी हो तो फिर आपको दशा महादशा का रिजल्ट ज़्यादा और गोचर में से भी उसी ग्रह का रिजल्ट मिलेगा। चूँकि वो अच्छा चल रहा है और यहाँ भी अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर वो दशा महादशा में अच्छा है, यहाँ पर बुरा चला, तब भी आपको कोई बुरा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। याद रखिए, उससे मैचिंग होनी चाहिए। गोचर वही दे सकता है जो जन्मपत्री में है, जो है ही नहीं वो देगा कैसे। इट्स समथिंग लाइक आपके नाम की चिट्ठी आनी तो चाहिए, डाकिया तो तब लेके आएगा ना, पहले चिट्ठी लिखी जाए, पहले वो आपकी कुंडली में योग हो। पर चूंकि हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो कुछ लोगों का ये योग होगा भी और कुछ लोगों के साथ ये घटना भी होगी। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए, इस महीने ज्येष्ठा पूर्णिमा है आपकी, 14 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है, चंद्रमा से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, लक्ष्मी माता से जुड़ा है। और इसके बाद 11 तारीख की निर्जला एकादशी है, 24 तारीख की योगिनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए विशेष ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि जो है, प्रदोष व्रत कहें तो आप 12 और 26 को है आपका, और शिवरात्रि 27 की है। भगवान शिव के जो जिनके आराध्य हैं उनके लिए विशेष तिथि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये निर्वाण षटकम से लिया गया है जिसको शंकराचार्य जी ने लिखा था। इसका अर्थ यही है कि मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त ही मैं हूँ, तो बॉडी की तो बात ही क्या है। तो क्या हूँ मैं, जो सब चीज़ का आधार है, जो आनंद का स्रोत है हर चीज़ में, वही शिव कहिए, परमात्मा कहिए, उसी का अंश मैं हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 29 तारीख की अमावस्या है, 17 तारीख की संकष्टि है। संकष्टि जो है गणेश जी से जुड़ा है और केतु से जुड़ा है एक तरह से। तो जिन लोगों का केतु खराब हो, केतु की दशा महादशा चल रही हो, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उनको संकष्टि का व्रत करने को कहा जाता है, करना भी चाहिए, और गणेश जी की आराधना करें। अमावस्या पितरों से जुड़ी हुई, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जुड़ी हुई है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय को पढ़ना, घर में साफ सफाई को करना, पुरानी चीज़ों को निकाल के ऐसे व्यक्तियों को दे देना जिसको आवश्यकता है। कोई चीज़ है आपके घर पड़ी, आपको पता है आप उसको यूज करने वाले नहीं, तो बेटर है कि उसको अमावस्या वाले दिन दे दो। घर की साफ सफाई के लिए, मंत्रों के लिए, दान पुण्य के लिए अच्छा दिन है। तो ऐसा नहीं अमावस्या अशुभी है, हाँ नॉर्मली जो इकोनॉमिकल कोई बड़े डिसीजन जो आपके आर्थिक उससे जुड़े हुए हैं उससे, वो हम अमावस्या को नहीं लेते हैं। बाकी दान पुण्य, किसी की हेल्प आदि करने के लिए अमावस्या का दिन भी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अमावस्या का दिन बहुत बढ़िया है। 15 तारीख को आपकी मिथुन संक्रांति है, सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, आत्मा सुपरमात्मा। आप अगर आपने गीता पढ़ी है तो उसमें भी यही आता है कि सबसे पहले जो गीता का जो उपदेश आया था वो श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, जब वो कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है मेरा, कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है। एक बार तो वो कहते हैं, फिर दूसरी बार कहते हैं कि मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है। वो दो लेवल की बात है, पर अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सूर्य जो है वो आत्मा स्वरूप है। इस पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है वो सूर्य के कारण है। तो सूर्य वास्तव में हमारी आत्मा को दर्शाते हैं। तो सूर्य का जो परिवर्तन है, संक्रांति है, इस दिन से किसी जप आदि का, अगर कुंडली में कोई दोष हो तो ये बताया जाता है, और दान के लिए, पुण्य के लिए, गीता के 7वें अध्याय के पाठ के लिए अच्छा दिन है। और कोई भौतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा निर्णय इस दिन नहीं लेते हैं, उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपके त्यौहार भी हो गए। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि का राशिफल जून के लिए। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।